कल्याण कलकल जिलाध्यक्ष चरखी दादरी श्री भवानी प्रताप सिंह पूर्व अध्यक्ष नगर परिषद भिवानी श्री शशि प्रभार शशि परमार पूर्व विधायक ठाकुर विक्रम सिंह भिवानी ठाकुर अजीत सिंह तंवर एडवोकेट ठाकुर अजीत सिंह डीजीएम श्रीमती मीना परमार श्रीमती बबीता तंवर श्री ओमवीर तंवर श्री संजय तंवर प्रधान सरपंच एसोसिएशन श्री अशोक कनौजिया हर्षवर्धन जिला महामंत्री श्री शिव कुमार पाराशर और इस मंच का संचालन कर रहे चंद्रपाल चौहान और पारस डालमिया। इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आप सबसे मैं क्षमा चाहता हूं कि खड़े होकर देर तक इस समय मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि डॉक्टर्स ने सलाह दी है कि कम से कम एक सप्ताह आराम करिए, तभी पैर ठीक होगा। मैंने कहा इस समय आराम कहां हो पाएगा, तो मैंने सोचा है कि जब चुनाव समाप्त होगा तभी मैं 4-6 दिन आराम करूंगा, नहीं तो बराबर जनता के साथ संवाद स्थापित करता रहूं। बहनों भाइयों, आप लोगों ने बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया है, आपने फूलों की हार पहनाकर मेरा स्वागत किया है, आपने तालियां बजाकर मेरा स्वागत किया है, और मैं मानता हूं कि भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत सलाम दुआ कभी एकतरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज यदि मैं आया हूं तो केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मवीर जी के लिए वोट मांगने नहीं आया, आज यदि मैं आया हूं तो अपने छोटे भाई के लिए वोट मांगने आया। बहनों भाइयों, धर्मवीर जी का हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता, जीवंत रिश्ता है। भारत की संसद में भी जब हम लोग मिलते हैं एक दूसरे से, लगता है कि हमारा कोई मिल रहा है। और आपने देखा होगा कि लगातार दो बार यहां सांसद रहने के बाद कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे धर्मवीर जी के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। क्या ऐसा व्यक्ति चुनकर भारत की संसद में नहीं पहुंचना चाहिए, और इसलिए भी पहुंचना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया है, बीजेपी नेतृत्व की एनडीए को 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करनी है। बहनों भाइयों, भारत ही नहीं सारी दुनिया ने यह मान लिया है, तीसरी बार भी भारत में सरकार यदि किसी की बनने जा रही है तो मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सारी दुनिया में भारत का कद बढ़ा है मेरे बहनों भाई। पहले भी मैं विदेशों में जाता रहा हूं, यहां के रहने वाले लोग भी बड़ी संख्या में विदेशों में हैं। पहले हम लोग विदेशों में जाते थे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम विचार व्यक्त करते थे तो हमारी बातों को जिस गंभीरता पूर्वक सुना जाना चाहिए दुनिया वाले नहीं सुनते थे, कहते थे भारत तो यह कमजोर भारत है, भारत तो यह गरीबों का भारत है। लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगी, और जो आपके यहां के लोग विदेशों में होंगे वह भी आपको बतलाते होंगे, आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है, भारत बोल क्या रहा है। मेरे बहनों भाइयों, यह भारत की हैसियत बनी है। भारत के बारे में यह धारणा थी भारत तो गरीबों का देश है, भारत एक कमजोर देश है। 75 वर्षों के आजादी का काल गुजर गया, लंबे समय तक यहां पर हुकूमत किसी एक राजनीतिक पार्टी ने की है तो कांग्रेस ने किया है। 52 वर्षों तक अखंड हुकूमत कांग्रेस ने की है, पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने भी कहा था कि मैं भारत की गरीबी को दूर करना चाहता हूं, श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा मैं भी गरीबी दूर करूंगी,
राजीव गांधी जी भी कहते रहे मैं भी गरीबी दूर करूंगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी कहते रहे मैं भी गरीबी दूर करूंगा। बहनों भाइयों, भारत की गरीबी दूर नहीं हो पाई, समाप्त होने की बात तो अलग, लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं ही नहीं कह रहा हूं, भारत की मानी जानी एजेंसियां, वित्तीय एजेंसियां, नीति आयोग और अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल फर्म्स इस बात का दावा कर रही हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने करिश्मा किया है, 8 वर्षों के अंदर हम लोगों ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी हासिल की। और आज मैं यकीन दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, ऐसे ही यदि हमको सरकार चलाने का मौका मिल गया, 15 वर्षों के अंदर भारत में गरीब नाम का कोई व्यक्ति शेष नहीं बचेगा। छोटी छोटी बातों की किस हद तक हमारी गवर्नमेंट ने चिंता की है, कोई कच्चे मकान में नहीं रहना चाहिए, पहली बार आजाद भारत के इतिहास में पक्के मकान, जिनके पास कच्चे थे पक्के मकान मुहैया कराए, कहा कि जिन घरों में नल के माध्यम से जल नहीं पहुंचता है वहां पर नल लगना चाहिए और नल से उसके घर में जल पहुंचना चाहिए। बहुत सारे देश में ऐसी माताओं बहनों को देखा है घर में पानी नहीं आता है, राजस्थान की हालत जाकर देखिए, दूर दराज जाकर घड़े पर घड़ा पानी का भरकर अपने घर वापस लौटती हैं, अपने घर की पानी की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। यह दर्द किसी भी प्रधानमंत्री के मन के अंदर पैदा नहीं हुआ है, यह दर्द का एहसास यदि पहली बार किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है और यह फैसला किया है भारत में एक घर शेष नहीं बचने चाहे पाएगा जहां की नल के माध्यम से जल न पहुंच जाए। बहनों भाइयों, कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, बहुत सारी योजनाएं हैं, मैं सारी योजनाओं की बहुत विस्तार में जाकर यहां पर चर्चा नहीं करना चाहता, आप लोग अच्छी तरह परिचित हैं। मैं एक याद दिलाना चाहता हूं, कोरोना का संकट, इस 21वीं सदी का सबसे बड़ा संकट कोरोना का संकट था। बहनों भाइयों, दुनिया यह मानकर चल रही थी क्या होगा, कुछ लोग कहते थे आधी आबादी ही समाप्त हो जाएगी दुनिया से, और गरीब देशों के लिए तो कहा जा रहा था कहां से इस संकट से निपटने के लिए उनके पास संसाधन आएंगे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में कोरोना का वैक्सीन, कोरोना का टीका बनता नहीं था, हम लोगों की बैठक बुलाई प्रधानमंत्री ने, चटपट सुबह ही पहुंच गए वैज्ञानिकों के पास, उन्होंने कहा कि जितने भी धन की आवश्यकता होगी सारा धन मैं मुहैया कराऊंगा मेरे वैज्ञानिकों, आपकी योग्यता, आपकी क्षमता, आपकी प्रतिभा पर हमको भरोसा है, कोरोना का वैक्सीन जल्दी से जल्दी तैयार करो, जो भी आवश्यकता होगी मैं मुहैया कराऊंगा। और आपने देखा करिश्मा हो गया, जिस भारत में कोरोना का टीका बनता नहीं था कोरोना का टीका बन गया, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं यहां भी जितने लोग बैठे हैं कम से कम 2 डोज कोरोना का जरूर लगा होगा, कुछ लोगों को 3 डोज भी लगा होगा। और केवल भारत में ही कोरोना का टीका नहीं लगा था बल्कि विश्व के 100 देशों को कोरोना का टीका मुहैया कराया है, तो भारत ने कराया है मेरे बहनों भाइयों, यह है भारत की ताकत। सारी फैक्ट्री